الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى يور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام الأشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرج من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام کیونکہ ذوالحجہ کا چاند کل یا پرسوں ہونے والا ہے اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ آیا ہی چاہتا ہے اس لیے آج درس قرآن کے بجائے ذوالحجہ سے متعلق جو مفید باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ والفجر کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قسم ہے صبح کی وَلَيَالِ نَشْرٍ اور دس راتوں کی یہ صبح جس کی قسم کھائی گئی ہے کون سی صبح ہے اس سلسلے میں تین باتیں کہی گئی ہے ایک تو جیسا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ روزانہ کی جو صبح صادق طلوع ہوتی ہے وہ مراد ہے اس لیے کہ روز طلوع ہونے والی فجر گویا ایک نیا پیغام اور نیا انقلاب لے کر کے آتی ہے دنیا میں اور اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قسم کھائی اور ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس
रदी अल्लाह ताला अनुमा से मनकूल है, जो हजरत मुजाहिद से भी नकल किया गया है कि उससे मुराद मुहर्रम की पहली तारीख की सुबह सादिक है। गोया इस्लामी साल जो शुरू होता है पहला दिन, उसकी सुबह सादिक मुराद है। और तीसरा कौल ये भी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है, और भी दिगर अइमा तफसीर से ये बात नकल की गई है कि उससे मुराद दसवीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक है, यौमुन नहर की। इसलिए कि इस्लामी तारीख और कैलेंडर में कायदा और उसूल ये है कि गुज़श्ता रात को आने वाले दिन के ताबे करार दिया जाता है। जैसे आज की रात है तो कल 29 ज़ुल्क़ादा है, तो ये रात 29 ज़ुल्क़ादा की रात कहलाएगी। कल जो दिन आ रहा है तो कल आने वाले दिन की रात वो पहले आती है, वो उसके ताबे करार दी गई। लेकिन ये जो दसवीं ज़िलहिज्जा यौमुन नहर है, उसमें उसकी जो रात है उससे पहले वाली, वो इस दिन के ताबे नहीं है, बल्कि वो गुज़श्ता दिन यानि नवीं ज़िलहिज्जा जो यौम अरफा है उसको उसके ताबे करार दिया गया है। इसलिए कि हुज्जाज जो हज करने के लिए जाते हैं तो नवीं ज़िलहिज्जा को अरफात के अंदर वकूफ होता है, जो जिसका वक्त शुरू होता है जोहर के बाद से, जवाल से। तो वैसे उसका मसनून तरीका तो यह है कि जवाल के बाद जोहर के और असर की नमाज एक साथ पढ़ करके अगर उसके शराइत पाए जाते हैं वकूफ शुरू करेंगे तो वो ग़ुरूब आफ्ताब तक, और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद फिर अरफात से मुज़दलिफा के लिए चलेंगे। लेकिन अगर किसी अल्लाह के बंदे को इस वक्त में अरफात के अंदर ठहरने का मौका नहीं मिला, सवारी के देर से आने की वजह से हवाईजहाज लेट हो गया और वो जिद्दा उतरा ही नवीं तारीख की शाम को मगरिब के वक्त, जबकि लोग वहां से निकलते हैं कहाँ से, अरफा से, तो उसके लिए शरीयत ने इजाजत दी है कि भाई भले रात हो गई, तुम जाओ अरफात में सुबह सादिक से पहले तक, अगर अरफात में वकूफ कर लोगे तो आपका हज दुरुस्त हो जाएगा। गोया इस रात को जो नवी ज़िलहिज्जा के बाद आ रही है उसको हाजियों के हज का लिहाज करते हुए शरीयत मुतहरा ने बजाय दसवीं तारीख को के ताबे बनाने के नवी के ताबे, गोया नवी ज़िलहिज्जा को दो रातें मिली। अगली रात तो उसकी अपनी है ही, और ये जो दसवीं ज़िलहिज्जा वाली रात है वो भी उसको दे दी गई, और दसवीं ज़िलहिज्जा का दिन बगैर रात के रह गया। और उसकी जो सुबह आती है सुबह सादिक, वो गोया एक इम्तियाजी सुबह है, ऐसी सुबह के उसको रात नहीं मिली। उसकी इसी इम्तियाजी शान के पेश नजर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इस सुबह सादिक की कसम खाई, कसम है फजर की यानी सुबह सादिक, और कसम है 10 रातों की। अब ये 10 रातें कौन सी, तो उसके मुतालिक तकरीबन सबका इत्तेफाक है कि उससे ये ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन मुराद हैं। अरबी जबान के अंदर लफ्ज़ लैल दिन के लिए भी बोला जाते हैं, जो हम जो बोलते हैं फला जगह हम मैं 4 दिन रह करके आया, तो हम लफ्ज़ दिन बोलेंगे उर्दू में गुजराती में भी। लेकिन अहले अरब जब किसी जगह 4 दिन के क़याम को बतलाना चाहेंगे तो 4 रातें बोलते हैं, उनका उर्फ यही है। तो बहरहाल यहाँ लयालिन अशरीन से ये ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन मुराद हैं या शरह ज़ुल्हिज्जा। इस्लाम में उसकी बड़ी फजीलत है।
देखो इस्लामी कैलेंडर के मुख्तलिफ महीनों और मुख्तलिफ दिनों में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुख्तलिफ इबादतें मशरू की गई, जारी की गई। जैसे अल्लाह ताला ने नमाज को फर्ज किया है, नमाज का ताल्लुक तो औकात से है। रोजे फर्ज किए, रोजे का ताल्लुक जो है वो दिनों से है, महीना, एक महीने के रोजे। कौन से महीने के? रमजान के। रमजान के महीने को रोजों की अदायगी के लिए खास किया गया। कोई आदमी अगर रमजान को छोड़ करके फर्ज रोजे के तौर पर जो है शाबान में, रजब में, जुल्कादा में, जुल्हिज्जा में चार पांच महीने रोजे रख ले तो भी फर्ज अदा नहीं हुआ। फर्ज तो रमजान में अदा होता है। फर्ज अदायगी के लिए अल्लाह ताला ने रमजान के महीने को मुकर्रर किया। अगर वो फौत हो गया है, छूटा है, तो कजा उसकी बाद में की जा सकती है, लेकिन अदायगी का वक्त वही है। इसी तरह रमजान के महीने में कुछ और इबादतें भी अल्लाह ने रखी है। जैसे रमजान के आखिरी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े अहतमाम से एतिकाफ फरमाते थे। आपने अपनी पूरी हयात तय्यबा में एतिकाफ का बड़ा अहतमाम किया, बिना किसी उज्र के कभी उसको छोड़ा नहीं है। आपके बाद सहाबा भी इसका अहतमाम करते रहे और फुकहाने भी रमजान के आखिरी अशरे के एतिकाफ को सुन्नत मौकदा अलल किफाया करार दिया है। इसी तरह रमजान के आखिरी अशरे में एक रात है जिसको लैलतुल कदर कहते हैं, जिसकी फजीलत में कुरान पाक में पूरी एक सूरत सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र नाजिल हुई, जिसमें बतलाया गया इस रात में की गई इबादत हजार महीनों में की गई इबादत से भी बढ़कर के। और ये रात जैसा कि हदीसों से मालूम होता है रमजान के अखीरी अशरे में आती है। तो गोया ये महीने की खसूसियत, अशरे की खसूसियत, रात की खसूसियत, इसी तरह और दिनों में भी और महीने भी ऐसे हैं जिनमें शरीयत ने कुछ मखसूस अहकाम दिए हैं। रमजान का महीना पहला जब चांद ईद का चांद निकलेगा तो ईद का चांद जो है वो शव्वाल की पहली तारीख है। बस पहला चांद शव्वाल का तुलू होते ही वो हज के महीने शुरू हो जाते हैं। कुरान में है बारी ताला का इरशाद, अल हज जो अशुरूम मालूमात, हज मुकर्रा महीनों के अंदर क्या था, तीन महीने जो हैं शव्वाल, जुल्कादा और जुल्हिज्जा, ये हज के महीने कहलाते हैं। अलबत्ता जुल्हिज्जा के 13 दिन कहलाते हैं, उसके बाद नई हज का ये खत्म हो जाता है। उन 13 दिन को ही उस इतने दिनों को ही महीने के हुक्म में शुमार कर लिया। और जैसा कि मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, चार महीने ऐसे हैं जिनको अशूरे हुरूम करार दिया गया, मिनहा अरबातुन हुरूम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी साल को जो है कमरी साल को 12 महीने का बनाया। कुरान में बारी ताला का इरशाद है क्या, इन इद्दत शुहूर इंदल्ला इसना अशर अशारन, महीनों की तादाद अल्लाह के यहाँ 12 महीने है, यानी गोया साल के 12 महीने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर उसी को फरमाया था कि अज़मानो कद इस्तदारा का हयाती ही यौम खलक समावाती वलग, अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को जब पैदा किया था उस दिन जो हिसाब महीनों का शुरू हुआ वही हिसाब आज बैठा है, आया है इसमें हिसाब में। और असना तो इसना अशर अशारन, साल जो है वो 12 महीने का है और उनमें से चार हुरमत वाले महीने। वो तो कुरान में भी बारी ताला ने फरमाया कि इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह इसना अशर अशारन फी किताबिल्लाह, यानी लोहे महफूज में अजल से, अभी तो आसमान और जमीन पैदा नहीं किए गए थे तब से अल्लाह ने ये फैसला कर दिया। क्योंकि बाद में लोगों ने साल के हिसाब में गड़बड़ करना शुरू किया था और साल को बजाय 12 महीनों के कभी एक महीने का इजाफा कर देते थे। जैसे हमारे यहाँ ये बिक्रमी कैलेंडर जो चलता है उसमें
वो 3 साल के अंदर 1 महीने का इजाफा कर देते हैं अधिक मास के नाम से। पहले ये कमरी विक्रमी कैलेंडर भी कमरी है, शमशी नहीं है, और ये ईसवी कैलेंडर जो है वो शमशी है। हमारा इस्लामी कैलेंडर जो है वो भी कमरी है। तो ये अरब जो है कमरी कैलेंडर के अंदर भी इसी तरह गड़बड़ करते थे, उसको शमशी कैलेंडर के मुताबिक बनाने के लिए हर 3 साल में 1 महीने का इजाफा किया जाता था। उसका कुरान ने उसको मना कर दिया कि नहीं, साल तो 12 महीने। कुरान ने कमरी साल चलाया ही है इसलिए कि अल्लाह ने अल्लाह की मसलियत और हिकमत इस बात की मुतकाजी थी कि शरीयत के अहकाम की सारी सहूलतें पूरे साल में घूमती रहीं। देखो अंग्रेजी साल का हिसाब तो ऐसा है कि गर्मी के महीने तो मई जून जुलाई, सारा साल से जब से ये कैलेंडर चल रहा है मई जून जुलाई यही गर्मी के कहलाएंगे, सर्दी के प्रकार दिसंबर जनवरी फरवरी। तो शमसी साल के अंदर मौसम मुतय्यन है, कमरी साल में मुतय्यन नहीं। अल्लाह ताला ने रमजान कमरी साल के एतबार से रखा, तो उसमें ऐसा निजाम है कि ये कमरी साल घूमता रहता है। तो रमजान कभी गर्मियों में आएगा, कभी सर्दियों में आएगा, कभी बारिश में आएगा, वह रोजों की फजीलत मुख्तलिफ मौसमों के एतबार से हासिल होगी। इसी तरह ये हज जो है, हज के महीने भी ये रखे, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा। ज़ुल्हिज्जा में हज के अय्याम भी हैं। हज जो है ज़ुल्हिज्जा के इन 5 दिनों के अंदर होता है। तो ज़ुल्हिज्जा कमरी का महीना होने की वजह से, सान का महीना होने की वजह से साल भर में घूमता रहता है। तो हज कभी गर्मियों में आएगा, कभी सर्दियों में आएगा, कभी बारिश के ज़माने में आएगा, मुख्तलिफ मौसमों में आता है। वह हर मौसम का लुत्फ उस इबादत के अंदर क्या होगा, हासिल होगा। अगर मान लो कि रमजान का महीना गर्मियों ही में आता तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हर साल लंबे रोजे और गर्मी बर्दाश्त करने की। लेकिन अल्लाह ताला ने निजाम, इबादत का निजाम जो है वो जोड़ा है किसके साथ, कमरी। और फिर कमरी महीने में दूसरी हिकमतें भी है। देखो शमसी महीने का हिसाब कोई जाहिल आदमी समझ नहीं सकता, वो तो कैलेंडर उसको बताएंगे कि ये शुरू हुआ, ये महीना खत्म हुआ। तो कमरी महीने का हिसाब सीधा है, चांद निकला 1 तारीख, समझा कि नहीं। अब वो 1 महीने तक चलेगा, महीने के आखिरी हिस्से में 2 दिन या 1 दिन चांद छुपा रहता है, फिर नया चांद शुरू हुआ तो नया महीना शुरू हुआ। तो भैया ये चांद का महीना एक ऐसा कुदरत ने रखा है कि जाहिल लोग भी जो हिसाब किताब से और इन चीजों से वाकिफ नहीं है वो भी आसानी से उसको समझ सकते। एक दूसरी बात कि जहाँ जिन इलाकों के अंदर 6-6 महीने के दिन हैं, 6-6 महीने की रातें हैं, तो वहां क्या है, 6 महीना दिन तो सूरज ही नजर आ रहा है, समझा है कि नहीं, दिन ही दिन है, 6 महीने की रात तो रात ही रात है। लेकिन वहां जहाँ 6 महीने का दिन है वहां भी और रात है वहां भी, चांद रोजाना दिखेगा। चांद का चक्कर अल्लाह ने ऐसा बनाया है, सूरज तो 6 महीने तक नजर नहीं आता, सूरज तो 6 महीने तक आया और 6 महीने नजर नहीं आएगा, बंद रहेगा। लेकिन चांद, चांद को इस तरह अल्लाह ने घुमाया है कि वो वहां भी बराबर नजर आता रहेगा। तो गोया जिन 6 महीने की रातों में भी लोगों को पता चलेगा कि तारीख कौन सी चल रही है। ये अल्लाह का एक निजाम है। इस्लामी हिसाब को कमरी हिसाब के साथ इसीलिए अल्लाह ताला ने जोड़ा कि लोगों के लिए आसानी हो जाए, देहात के रहने वाले भी आसानी के साथ उसको समझ सकें। तो बहरहाल ये इस्लाम अलहज जो अशुरु मालूमात, हज के महीने 3 रखे, उसमें हज के दिन 5 रखे हैं, 8, 9, 10, 11 और 12 और 13 भी है ना, 8 से 12 और ये हुरमत वाले महीने 4 रखे, उसमें ये ज़ुल्हिज्जा आता है। ज़ुल्हिज्जा की ये 10 दिन है, उसकी बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर। इन्हीं दिनों के अंदर जो है हज के दिन भी आते हैं, ये 5 दिन, 8, 9, 10, 11 और 12, और कुर्बानी के दिन भी इसी में आते हैं, 10, 11 और 12।
देखो ये हज और कुर्बानी ये दो इबादतें ऐसी, बाकी देखो नमाज है, नमाज अल्लाह ने पांच वक्त की फर्ज की, फजर जोहर असर मगरिब ईशा, लेकिन इन फराइज के अलावा कोई आदमी नफल जब चाहे पढ़ सकता है रात को दिन में। अलबत्ता जो दो तीन वक्त ऐसे हैं मकरूह करार दिए गए उन वक्तों में वो भी थोड़ी देर के लिए नफल नहीं पढ़ सकता, बाकी आप 24 घंटे में नफल जब चाहो पढ़ लो। रोजे फर्ज रोजे अल्लाह ने रखे कायम है रमजान में, लेकिन रमजान के अलावा साल भर में बाकी 11 महीने में भी कोई रोजे रखना चाहे रख सकता है। हज के लिए अल्लाह ताला ने ये जो पांच दिन मुतय्यन किए, फर्ज हज जिस पर है वो भी इन्हीं दिनों में करेगा, और जिसको नफल हज करना है वो भी इन्हीं पांच दिनों, हज इन पांच दिनों के अलावा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई कि नहीं बात? इसी तरह कुर्बानी, कुर्बानी के ये जो तीन दिन मुतय्यन किए गए, ये कुर्बानी एक ऐसी इबादत है कि साल भर में इन तीन ही दिनों में वो अदा की जा सकती, जिन पर वाजिब है वो भी, और जो नफल कुर्बानी करना चाहते हैं वो भी इन तीन दिनों में। ऐसा नहीं कि भाई नफल कुर्बानी आप साल भर में जब चाहे करो, ऐसा नहीं कि नफल हो जब आप जब चाहो साल भर में करो, नहीं। वुकूफ़ अरफात का वक्त मुकर्रर है, नवी ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद से वुकूफ करना है, उसके अलावा साल के 359 दिनों में अरफात का मैदान खाली पड़ा हुआ है, और आप वहां जाकर के खेमे डाल के पड़े रहो तो भी एक सवाब एक नेकी भी नहीं मिलेगी वुकूफ के नाम से, समझा है कि नहीं? तो कहने का हासिल ये जमरात है वो शैतानों को कंकरियां मारी जाती है 10, 11 और 12 तीन दिनों के अंदर, तो इन तीन दिनों के अलावा में वो खंबे वहीं के खड़े वहीं खड़े हैं, वो ढेर सारी कंकरियां लेके जाए काम है तो अभी एक नेकी भी मिलने वाली नहीं है। तो बहरहाल ये हज की इबादत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से वक्त मुकर्रर है, फर्ज हज का भी और नफल हज भी उसी में हो सकता है कुर्बानी। तो ये दो इबादतें ऐसी हैं कि इनके मुकर्रर औकात के अलावा हो सकती। तो अब ये जो 10 दिन है ज़ुल्हिज्जा के अशरा, वो ऐसे 10 दिन है कि देखो इन 10 दिनों में हम रोजे तो नमाज तो पढ़ते ही है रोजाना, रोजे भी रख सकेंगे और कुर्बानी के दिन आए तो कुर्बानी भी करेंगे, और हज के दिनों में हज भी करना चाहें, वह तमाम इबादतें इन दिनों में की जा सकती। रमजान का महीना अपनी जगह पर कितना ही बरकत वाला अजमत वाला, लेकिन कोई उसमें हज करना चाहे तो नहीं कर सकता, कोई उसमें कुर्बानी करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो भैया ये दिन ऐसे हैं सारी इबादतें इसमें अदा होती, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि इन दिनों को साल के तमाम दिनों के ऊपर क्या हासिल है, फजीलत हासिल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है बुखारी शरीफ में, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नकल करते हैं कि साल के किसी भी दिनों में अल्लाह को नेक अमल इतना पसंद नहीं जितना इन 10 दिनों में। कोई भी नेक अमल आप करो, अमल की भी तायीन नहीं कि ये रोजा रखोगे तो आप अल्लाह, नहीं, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, सत्ता खैरात करो, कुरान की तिलावत करो, तस्बीह पढ़ो, तो जो कोई भी नेक अमल अल्लाह को किसी भी दिनों में इतना महबूब और पसंद नहीं जितना इन 10 दिनों के अंदर। यहां तक के सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना बड़ा बड़ा ऊंचा अमल है, तो क्या इन दिनों में कोई आदमी कुरान की तिलावत करेगा तो उसकी वो कुरान की तिलावत और दिनों में किए गए हुए अल्लाह के रास्ते में जिहाद से भी बढ़कर है, यानी और दिनों में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इन दिनों के किसी भी अमल का मुकाबला नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये आप इन दिनों में कुरान पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तो उसका भी सवाब और दिनों के जिहाद से भी बढ़कर के मिलेगा। अलबत्ता हुजूर फरमाते हैं कोई आदमी अपनी जान और माल लेके, अपनी जान और घोड़ा वोड़ा निकला जिहाद के अंदर और खुद भी शहीद हो गया और अपने माल को भी क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, और खुद वापस लेके, वो तो उसका वो अमल तो अलबत्ता इतना ऊंचा है कि इन दिनों का कोई अमल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बहरहाल इससे मालूम हुआ कि इन दिनों में कोई भी अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है बुखारी शरीफ में।
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत तिर्मिजी में है, इब्ने माजा में है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी भी दिनों में अल्लाह को अपनी इबादत इतनी प्यारी नहीं है जितनी इन दिनों में। यानी इन दिनों में कोई बंदा अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है, और दिनों में इतनी जितनी इन दिनों में पसंद है। और फिर फरमाते हैं इन दिनों में से हर दिन का रोजा उसका सवाब साल भर के रोजों के बराबर। अब इस इन 10 दिनों में 9 दिनों में रोजा रखा जा सकता है, 10वां दिन जो ईद का है उसमें रोजा नहीं रख सकते। और इन रातों में से हर रात की इबादत का सवाब शबे कद्र की इबादत के बराबर। अब देखो शबे कद्र तो एक आती है वहां रमजान में, और यहाँ 10 रातों में आप इबादत करेंगे, और शबे कद्र को तो ढूंढना पड़ेगा, तो जाए कि नहीं पता नहीं मिली कि नहीं मिली। लोग रमजान में उसके इसमें रहते हैं ना, तलाश और जस्तजू में रहते हैं, और यहाँ तो नक्की है एकदम तय कि भाई आप रात भर इबादत करो, आपके नाम जो है शबे कद्र के बराबर इबादत का सवाब लिख दिया जाए। देखो कितना कितनी बड़ी फजीलत है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है मुसनद अहमद के अंदर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल के किसी दिनों में भी जो है अल्लाह की इबादत इतनी अजमत वाली और इतनी प्यारी अल्लाह को नहीं है जितनी इन दिनों में। इसलिए हुजूर फरमाते हैं फाक्सिरु फीहा अत्तकबीर अत्तहलील वत्तकबीर वत्तहमीद, इन दिनों के अंदर तुम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ो। वो तकबीर तशरीक में आ जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि हम्द, इसमें तहलील भी आ गई, तकबीर भी आ गई, और वलिल्लाहि हम्द तहमीद भी आ गई। तो ये खास इन दिनों के लिए ये तस्बीह जो है आती है हदीस में, और बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुरान में है وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, لوگ حج کے زمانے میں اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضری دیں اور اللہ کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں, ایام معلومات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معلومات سے مراد یہ 10 دن کون سے ذوالحجہ کے, और वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात यूं भी आया गिनती के दिनों में अल्लाह को याद करो, तो उसकी शराह में हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं उससे मुराद अय्याम तशरीक, अय्याम मादूदात अय्याम तशरीक और अय्याम मालूमात ये 10 दिन। गोया इन दिनों में अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए। बुखारी शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हजरत अबू हुरैरा ये 10 दिनों के अंदर घर से बाहर निकलते थे, जोर से तकबीर पढ़ते थे, और उनकी तकबीर सुनकर लोग भी जोर से तकबीर पढ़ते थे। पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का तो मामूल था उठते बैठते चलते फिरते लेटे इन दिनों में कसरत से तकबीर पढ़ते थे। हमारे यहाँ वो तकबीर का रिवाज हालांकि फिका की किताबों में भी लिखा है कि बकरीद की नमाज के लिए जब जावे तो जोर से तकबीर तशरीक पढ़ता हुआ जाए, और ईद उल फितर की नमाज के लिए जाए तो भी पढ़े लेकिन आहिस्ता, लेकिन ये जोर से मुसलमानों की शान जाहिर हो। अब कोई तकबीर पढ़ने का एहतमाम ही नहीं करता, हालांकि इन चीज़ों को का एहतमाम करना चाहिए, और ये वो इबादतें हैं जो अल्लाह तबरक तआला को बहुत पसंद है। और इन दिनों के अंदर एक और इबादत है जो बाकायदा वाजिब की गई है कि नवी ज़िलहिज्जा यानी अरफा के दिन की सुबह फजर की नमाज से लेकर के 13वीं ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक कुल 23 नमाजें होती हैं। हर नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर तशरीक कहना वाजिब है, मर्द हो या औरतें हो, मुकीम हो या मुसाफिर हो, हर एक के लिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहि हम, वो तो हम मस्जिद में होते हैं, वो कोई पढ़ता है तो फिर सबको याद ही आ जाता है, समझ में आया कि नहीं। ये तकबीर तशरीक इसको वाजिब करा दिया गया है, इसका एहतमाम होना चाहिए। और फिर इन ज़िलहिज्जा के इन दिनों ही में
नौ दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं में कुर्बानी की जाती है। और कुर्बानी जो साहिब निसाब है, देखो बहुत से लोग यूं समझते हैं कि जिस पर जकात फर्ज है उसी पर कुर्बानी वाजिब है, हालांकि कुर्बानी का जो निसाब है वो जकात के निसाब से जरा हल्का है। बहुत से वो लोग हैं जिनके ऊपर जकात फर्ज नहीं लेकिन कुर्बानी वाजिब है, सदकतुल फितर वाजिब है। जकात के वजूब के लिए वो या निसाब जो है कि कोई आदमी 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम चांदी का मालिक हो, चांदी या सोना या तिजारत का सामान। देखो जकात के अंदर जकात फर्ज होने के लिए माले नामी यानी बढ़ने वाला माल होना चाहिए। अब बढ़ने वाला माल एक तो बढ़ता हुआ नजर आता है, जैसे कि ये चौपाए हैं मवेशी, किसी ने गायें पाल रखी है, बकरियां पाल रखी हैं, ऊंट पाल रखे हैं, उस जमाने में होते थे। और दूसरा बढ़ने वाला वो माल कि जिसमें तिजारत की सलाहियत है, तो उसमें से दो माल तो ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने तिजारत के लिए पैदा ही किया, सोना और चांदी, उनको समाने खिलकी कहते हैं। तो जिसके पास सोना और चांदी हो वो चाहे उनसे जो तिजारत की नियत करे या न करे, इसमें जकात फर्ज है। ये समाने खिलकी होने की वजह से वह ये दो धातें ऐसी है कि अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त के लिए ही पैदा की। और कुदरत का निजाम देखो, जब से दुनिया पैदा हुई तब से आज तक लोगों की इसके अंदर मोहब्बतें और इसकी कीमत, आज तक इसका कभी डिवेल्यूएशन नहीं हुआ। नोटों का हो जावे लेकिन इसका नहीं हो सकता, इसका सोने और, बल्कि लोग तो हिफाजत के लिए बहुत से इन्हीं को खरीद करके महफूज रखते हैं। आज तक कभी इसका जमा करने वाला ये नहीं जाएगा कि उसको खोट हुई हो। तो बहरहाल इन दो धातों को अल्लाह ताला ने पैदा ही किया इकाई के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, इसीलिए फुका कहते हैं ये समाने खिलकी हैं। खिलकी तो अब उसके मतलब जिसके पास वो हैं वो उसके जरिए से खरीदो फरोख्त करे या न करे, तिजारत के हुक्म में है, उसमें तो जकात फर्ज हो जाएगी। और ये जो करेंसी है नोट, इसको फुका ने कहा कि ये समाने उर्फी है, यानी हुकूमत ने उसको खरीदो फरोख्त करने के लिए छापा है, तो जब तक के वो चलता है, करेंसी जारी है, तो वो भी इसी हुक्मों में है। उसके अलावा बाकी माल जो है, बाकी कोई भी माल जब तक के उसमें तिजारत की नियत न हो वहां तक जकात उसमें फर्ज नहीं। तिजारत की नियत होगी तो ही वो बढ़ने वाला बनेगा। मैं 10 लाख कुर्सियां ला करके अपने घर में रख लूं तो पड़े पड़े को उसमें से दूसरी कुर्सियां पैदा होने वाली नहीं है, लेकिन ये लाया हूं मैं काई के लिए, तिजारत के लिए, तिजारत के लिए लाया हूं तो इसमें से नफा मिलेगा, मुझे बढ़ोतरी होती। तिजारत की नियत एक ऐसी नियत है कि जो उस चीजों को क्या करती है, मट्टी भी हो तो उसमें भी नियत अगर तिजारत की है, तिजारत करेगा तो उसमें भी उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो गोया दूसरे तमाम अमाल नामी बढ़ने वाले उसी वक्त बनते हैं जबकि तिजारत की नियत। ये चार माल हैं जिनमें जकात फर्ज होती है, वो मवेशी को छोड़कर, इसमें सोने में और चांदी, ये तो कुदरती तौर पर तिजारत के लिए हैं, और करेंसी ये उर्फी एतबार से, और उसके अलावा जितने भी अमवाल हैं वो उसमें अगर नियत काई की है तिजारत की, उसमें फर्ज होगी जकात। अब ये तो जकात की बात थी, अब किसी के पास माल है लेकिन तिजारत की नियत नहीं की है, आपके पास जो है घर के अंदर बहुत सारे बर्तन हैं, 2 लाख के बर्तन हैं, तपेले हांडे वांडे सब, समझा कि नहीं, आपके काम नहीं आते, लेकिन आपने उसमें तिजारत की नियत नहीं की है, तो ये 2 लाख के हांडों में अगर तिजारत की नियत नहीं है तो जकात फर्ज, लेकिन ये है आपकी जरूरत से ज्यादा, इसलिए इसमें कुर्बानी वाजिब है और इसमें सदकतुल फितर वाजिब है। 2 लाख के क्या वो मैंने कहा नहीं, 613 ग्राम चांदी के बराबर हो तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आजकल क्या होता है लोगों के घरों में, ये आप क्या कहते हैं वो शोकेश,
शोकेश, एक छोटी सी अलमारी होती है, उसके अंदर बहुत फजूलियात जमा कर दी जाती है, ये क्या है, ये क्या है। अब उसकी कीमत बहुत सारी है किसी काम के लिए, लेकिन बहरहाल उसको अगर कीमत शुमार की जाए तो मान लीजिए कि वो 50,000 की है। अब ये सब जरूरत से ज्यादा है, तो इसके अंदर जकात तो फर्ज नहीं, चूंकि तिजारत की नीयत नहीं है, तो ऐसे शो के लिए लाया है, जकात फर्ज नहीं, लेकिन इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी इस पर वाजिब, सदकतुल फितर इस पर वाजिब है। या आपके पास एक आप जिस मकान में रहते हैं वो, और दूसरा मकान आपके पास जायद है जिसमें रहाइश की जरूरत वधारे का है, कभी कोई मेहमान आया तो चला वरना कुछ ऐसे पड़ा है, एक फ्लैट पड़ा है आपके पास, एक प्लॉट पड़ा है, प्लॉट फ्लैट नहीं प्लेट, समझा कि नहीं, तो उसके ऊपर भी क्या वाजिब हो जाएगी। हालांकि ये प्लॉट जो है आपने आइंदा जरूरत के लिए, मैंने अभी जरूरत नहीं है इसकी, तो इस पर जकात तो फर्ज नहीं है, लेकिन कुर्बानी वाली। तो कुर्बानी का मसला बहुत से लोग गलत फहमी में शिकार है, वो यूं समझते हैं कि हम पर जकात तो फर्ज नहीं इसलिए कुर्बानी भी नहीं है। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन भले जकात फर्ज न हो, सदकतुल फितर भी है उन पर। चुनांचे बहुत से लोग सदकतुल फितर अदा करते हैं, उनको पूछेंगे वो मेरे को वाजिब, और फिर उसको यूं कहेंगे फिर कुर्बानी का वो वाजिब नहीं। अरे तू बकाला में खुद मुफ्ती बन गया, तू यूं कहता है कि कुर्बानी वाजिब है, अरे सदकतुल वाजिब कुर्बानी, तुझे एक कौन सी किताब में मसला मिला। ये लोग भी अपने तौर पर फैसला कर लेते हैं, जैसे बहुत से कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं ना, तो अपने तौर पर तय कर लेते हैं, अरे भाई आपको ऐसी कोई उजर पेश आए तो पहले मुफ्तियों से मिलो और खूब तहकीक कर लो, वो इजाजत दें तो ना, ऐसा नहीं कि कुर्सी पड़ी हुई है तो आकर बैठ गए और कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ ली, ऐसा मत करना। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कुर्बानी जो है वो बहुत से लोगों पर वाजिब होती है, अगरचे उन पर जकात फर्ज न हो। इसलिए कुर्बानी अभी इस महीने में कुर्बानी भी है, और कुर्बानी की बड़ी ताकीद आई। कुर्बानी के सिलसिले में साहबा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह महाजिल अज़ाही, ये कुर्बानियां क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, चूंकि ये सब अरब जो हैं हजरत इब्राहिम की औलाद हैं, ये तो तुम्हारे अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है, क्या उनको और ज्यादा मानूस करने के लिए, तो घर की चीज है, कहने का मतलब ये है। और फिर इन्होंने पूछा, फमा लाना फिया, तो हमको क्या मिलेगा? तो कहा, बिल्कुल निशारतिन हसनतुन, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी, जितने बाल होते। और हदीस में आता है, आदमी जब कुर्बानी का जानवर ज़बह करता है तो उसका खून जमीन पर गिरे उससे पहले वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती है। और हदीस में यह भी है कि इन कुर्बानी के 3 दिनों में जानवर का, यानी कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से बढ़कर कोई इबादत अल्लाह को पसंद नहीं। तो बहरहाल ये कुर्बानी वाजिब है, और इसीलिए हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वजद सातन वलम युज़हे फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिसके अंदर कुर्बानी करने की ताकत है, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब है और उसके बावजूद कुर्बानी नहीं की, वो हमारी ईदगाह में नो एंट्री, ईदगाह में आने की इजाजत नहीं दी हुजूर ने, वह उसको हक नहीं है ईद की खुशी मनाने का। कुर्बानी तो तुम्हारे वाजिब है फिर भी नहीं करते, कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये कुर्बानी की भी बड़ी अहमियत है, उसका एहतमाम, और जितनों ने कुर्बानी जिन पर वाजिब है वो भी, और वाजिब नहीं है फिर भी नफल रखी है, तो उनके लिए हुक्म ये है कि चांद होते ही वो जब तक कुर्बानी ज़बह न करें वहां तक नाखून और बाल नहीं कटवाएं। हमारे यहाँ इमाम मोहम्मद के नजदीक तो ये वाजिब है ये हुक्म, हनफिया के यहाँ ये सुन्नत है, लेकिन बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया। उलमा लिखते हैं इसमें क्या हिकमत है, तो दरअसल देखो जैसा कि अभी मैंने बताया, इन्हीं दिनों में एक इबादत वहां अदा की जाती है, कहाँ? मक्का मुकर्रमा में, हज के जगहों में।
तो जो आदमी अहराम बांधता है, अहराम बांधने वाले को मना कर दिया गया कि तुम जो है नाखून नहीं काट सकते, नहीं बाल कटवा सकते हो, और भी बहुत सारी पाबंदियां, उनमें से ये दो पाबंदियां। अब यहाँ कुर्बानी वाले को भी ये कहा, तो गोया अल्लाह तबरक ताला इस हुक्म के जरिए से कुर्बानी करने वालों को गोया मुशाबह बनाते हैं, बताते हैं किसके, हजियों के। और गोया यहाँ बैठे बैठे जो रहमतें हाजी पर अल्लाह ताला वहां नाजिल फरमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह मियाँ हमको भी देना चाहते हैं, इसलिए ये हुक्म मिलेगा, इसलिए इसका भी अहतमाम होना चाहिए इन चीजों का भी। तो बहरहाल यह काम है, इन चीजों का अहतमाम किया जाए और उसकी अदायगी की तरफ तवज्जो हो, अपने घरों में भी, खुद भी, घर की औरतों को, बच्चों को भी ये बातें बतलाई जाए, क्या बचपन से उनकी तरबियत हो, रोजों का भी अहतमाम हो, या और दूसरी इबादतों का भी। ये दिन बड़े बरकत वाले हैं, अपने आप को कम से कम इन दिनों के अंदर गुनाहों से बचाने का भी अहतमाम। ऐसे बरकत वाले दिनों में भी कोई आदमी अगर गुनाह कर ले तो उससे बड़ा महरूम और क्या कौन हो सकता है। इन दिनों में गुनाह करने की नहुसत ये होगी कि फिर साल भर गुनाह से वो बच पाता नहीं है, और इन दिनों में अगर अपने आप को बचा लेगा तो अल्लाह ताला और दिनों में भी गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाएंगे। तो बहरहाल ये मुबारक दिन अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, उसकी हमें क्या करनी चाहिए। कदर उलमा ने लिखा है कि नेकियों के दो मौसम हैं, दो सीजन, एक तो रमजान का महीना कि उसमें भी नेकियां अल्लाह ताला बहुत देते हैं, एक फर्ज को का सवाब 70 फर्ज के बराबर और नफल का सवाब फर्ज के बराबर, लोहा सोने के भाव बिकता है वहां, समझा कि नहीं। और दूसरा मौसम ये अशरे जिलहिज्जा, उसके अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा सवाब दिया जाता है, इसलिए इन सीजनों को हम वसूल कर लें, समझा कि नहीं। और जितना ज्यादा वसूल करेंगे इतना हमारे लिए फायदा ही फायदा है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी करेंगे, यानी कोशिश करो, अल्लाह से दुआओं का अहतमाम करो और अपने घर के अंदर भी ऐसा माहौल बनाओ रोजाना इसी इरादे से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, इन दिनों में अल्लाह को अमल जितना महबूब है, और मैं इसलिए ये करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, इसीलिए तस्बीह पढ़ रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, उसकी वजह से मजीद इसका फायदा हासिल होगा। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو نے معاذ اپنے فضل سے ایسے مبارک ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری، تیری عبادتوں کا اہتمام اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہمیں نصیب فرما، ہمیں بھی ہمارے گھر کے تمام چھوٹوں بڑوں ہر ہر فرد کو اس کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی معصیتوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اور اے اللہ تیرے نیک بندے، تیرے مقبول بندے ان ایام کو جس طرح گزارتے ہیں اسی طرح گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك۔